बिग बॉस 12 और सलमान पर फूटा सुपरस्टार का गुस्सा, कहा अच्छे इंसान को घटिया शो में। बिग बॉस 12 के घर के अंदर जहां करणवीर बोहरा और श्रीसंत की दोस्ती एक बार फिर से हो गई है, वहीं घर के बाहर हर कोई करणवीर के साथ हो रहे बुरे बर्ताव को लेकर सलमान और शो को टारगेट करता हुआ नजर आ रहा है। करणवीर की पत्नी टीजे के ओपन लेटर लिखने के बाद जहां सुरभि चंदना, कीकू शारदा ने करणवीर को सही ठहराया है, इस रेस में अब टीवी स्टार चंद्रमुखी चौटाला यानी कि कविता कौशिक भी शामिल हो गई हैं। कविता ने शो के खिलाफ बेहद चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने करणवीर का साथ देते हुए लिखा है कि और भेजो अच्छे इंसान को एक घटिया शो में। ऐसा मालूम होता है कि केवल इस एक लाइन के ट्वीट से कविता ने सलमान और शो के खिलाफ अपना मत जाहिर कर दिया है। वैसे ऐसा पहली बार हो रहा है जब सलमान और शो के खिलाफ टीवी स्टार्स अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। बहरहाल ये वो स्टार हैं जो कि एक नहीं बल्कि कई बार बिग बॉस के ऑफर को मना कर चुके हैं। टीवी स्टार करण सिंह ग्रोवर को कई बार इस शो में शामिल होने का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि वे प्राइवेट लाइफ को जीना पसंद करते हैं। बिग बॉस सोफी चौधरी ने कहा था कि वह ऐसे शो पर जाना पसंद करती हैं जहां पर टैलेंट दिखाना हो, वह ऐसे मेंटल गेम के शो का हिस्सा नहीं होना चाहती हैं। टीवी स्टार सुरवीन ने कहा था कि वह इस शो की बड़ी फैन हैं पर वे बिग बॉस के लिए फीट नहीं बैठती हैं। बिग बॉस कबीर बेदी ने ट्वीट करके कहा था कि बिग बॉस कभी उनके लिए नहीं हो सकता है। बिग बॉस राधे माँ को भी इस शो का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन उन्होंने वे इस सब में दिलचस्पी नहीं रखती हैं। बिग बॉस शाइनी आहूजा ने इस शो के लिए यह कहकर मना कर दिया कि वे किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। बिग बॉस पूनम पांडे ने शो में एंट्री लेने के लिए 3 करोड़ की डिमांड की थी जो कि पूरी नहीं हो पाई।